मैम आप यहाँ आए, आपने यूथ पार्लियामेंट को एंजॉय किया, आपके बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, तो आपको यहाँ बस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट स्कूल में ये कंडक्ट कराया गया तो बहुत अच्छा है। और सेकंड थिंग है, इसमें बच्चों की स्किल बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती है, जो कि आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो दैट्स गुड, एक्सीलेंट वर्क, बच्चों ने बहुत अच्छा है वर्क भी किया, बहुत सेल्फ मतलब बहुत कॉन्फिडेंस थे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। सर, आपको क्या लगता है कि DWPS की क्या भूमिका रही है बच्चों को इस मुकाम तक लाने की? मैम, बच्चों को यूथ पार्लियामेंट का जो कार्यक्रम कराया गया उससे उनके राजनीतिक में क्या होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, जिस तरह से उनको आगे जाकर कार्य करना चाहिए, सहभागिता होती है, सम्मिलित होते हैं, उस हर पद का क्या मान होता है, कौन से विभाग का क्या कार्य होता है, ये सब देखने माहौल देखने को मिला और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और इसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी शिक्षक गणों को, संस्था के चेयरमैन सर को, प्रिंसिपल सर को, सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम, DWPS परिवार हमेशा सभी बच्चों को अपने अनोखे और नए कार्यक्रम के द्वारा कुछ नया सिखाने का प्रयास करता रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम हम पहली बार देखे प्रोग्राम, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैं मिस कर दी, थोड़ा लेट आई, इतना देख उतना ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, इससे बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें आगे जाके कुछ करना है, कुछ सीख रहे हैं बच्चे इससे। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट बार देखा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और टीचर लोग बहुत मेहनत किए, बच्चे भी बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैम, बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए और देखने में पहली बार मिला ये सब चीज़ें, अभी किसी स्कूलों में ये चीज़ें नहीं देखने को मिला, सेंट्रल स्कूल छोड़ो और किसी स्कूलों में नहीं मिला, ये बहुत अच्छा लगा। बच्चे नए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारी उज्जवल भविष्य की कामना तो उन्हीं बच्चों से है। आप भी यंग है, सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस यूथ पार्लियामेंट को लेके? इस यूथ पार्लियामेंट से जो न्यू जनरेशन है इनको ये पता लगेगा कि कैसे पार्लियामेंट्री सेशन होता है, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, और दिस विल अफेक्ट देम लाइक इन अ गुड वे इन फ्यूचर, लाइक द पर्सन हु वॉन्ट टू गो इन द पॉलिटिक्स और इन द अदर फील्ड, इट विल हेल्प देम टू ग्रो अप। बहुत ही नॉलेजेबल होगा ऑफ कोर्स, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो शायद डेली लाइफ में नहीं निकलते, बट बाय दिस पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट, उनको वो टॉपिक अभी अभी मिल चुका है जिसके बारे में वो सोचेंगे, उनकी थिंकिंग बढ़ेगी और उससे फिर उनका ऑफकोर्स बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। दिस इज मी समृद्धि विद प्रथम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम DWPS न्यूज़ फोरम, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट इवेंट।